तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब आईपीएल 2023 का लास्ट का 4 मैच ही बचा हुआ है, जहां से डिसाइड होगा कि टॉप 4 में कौन कौन सा टीम प्लेऑफ करेगा। और अभी की मैं अगर बात करूं तो ये साल का आईपीएल ऐसा हुआ है, अभी तक तो सिर्फ 4 मैच ही बाकी है लेकिन हमें प्रूवन प्लेऑफ का टीम अभी भी देखने को नहीं मिला है। मतलब मैं अगर लिटरली बात करूं तो गुजरात टाइटंस एक ऐसा टीम है जो कि अभी क्वालिफाई कर चुका है प्लेऑफ के लिए, जो कि एक नंबर के पायदान में ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हो पॉइंट टेबल में कि सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स जो कि 15 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है, लास्ट मैच बचा हुआ है। एलएस जैन लखनऊ सुपर जायंट्स भी 15 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है लेकिन लास्ट मैच बचा हुआ है। उसके बाद मैं अगर बात करूं आरसीबी जैसा टीम जो कि 14 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है लेकिन भाई मतलब लास्ट मैच बचा हुआ है। राजस्थान रॉयल्स जिनका भाई इस साल के आईपीएल का लीग स्टेज का मैच तो भाई खत्म है, मतलब 14 मैच खेल चुका है और 14 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है। वहीं पर मुंबई का भी लास्ट मैच बचा हुआ है लेकिन 14 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है। तो देखो मैं अगर मुंबई तक जो 6 टीम है इन 6 टीमों के बारे में बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर हर एक टीम के पास, मतलब उन 5 टीमों के पास, यानी गुजरात तो भाई प्लेऑफ कर ही चुका है, सीएसके, एलएसजी, आरसीबी और मुंबई, इन चारों टीमों के पास चांसेस है कि वो प्लेऑफ कर ले। मतलब 4 टीम के हाथ में अपना भाग्य है लेकिन उसके बावजूद जो जो टीम बच जाता है, लाइक मैं अगर बात करूं राजस्थान रॉयल्स जैसा टीम, उसके साथ केकेआर जैसा टीम, ये 2 टीम के पास आउटसाइड चांसेस बनेगा कि वो प्लेऑफ करे। वो कैसे बनेगा उसके ऊपर बात करूंगा, मतलब केकेआर के पास भी अभी भी चांसेस है जो कि मैं बताने वाला हूं, ठीक है। कैसे तरीके से बनेगा वो तो मैं बताऊंगा चांसेस, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस कौन से 2 टीमों के पास है मैं तो बताऊंगा, लखनऊ और सीएसके के पास सबसे ज्यादा चांसेस तो बनेगा क्योंकि वो 15 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है। अगर लास्ट मैच वो लोग जीत जाए दोनों ही 17 पॉइंट लेकर भाई प्ले ऑफ कर लेगा, लेकिन लास्ट का 2 मैच अगर वो 2 टीम हार जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा पता है, क्योंकि देखो चेन्नई के सामने दिल्ली रहेगा, उनके लिए ज्यादातर प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा, लेकिन लखनऊ के सामने कौन आएगा पता है, वो है केकेआर जो कि बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है और केकेआर खेलेगा अपने ग्राउंड में यानी ईडन गार्डन के स्टेडियम में। वहां पर स्पिनर लोग का जो कमाल रहता है ना उसको झेलने के लिए लखनऊ को बेहतर बल्लेबाजी करना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि लखनऊ के लिए थोड़ा सा मुश्किलात मतलब बन सकता है कि वो कैसे भी करके इस मैच को जीते या फिर हारे, मतलब उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि केकेआर सामने आएगा। तो मैं बताऊंगा कि बेस्ट मैच हो ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात उसके बाद कि देखो अगर बाय एनी चांस लखनऊ 15 पॉइंट से 17 पॉइंट तक ना जा पाए, अगर वो 15 पॉइंट पर ही अटक जाए तो उस जगह पर क्या होगा पता है, अगर वो 15 पॉइंट पर ही अटक जाए तो उस जगह पर क्या होगा पता है, अगर मुंबई नीचे से आकर लास्ट मैच अपना जीत जाए हैदराबाद के अगेंस्ट, और वहीं पर अगर आरसीबी अपना लास्ट मैच गुजरात के अगेंस्ट लास्ट से, और नीचे से अगर आप देखने को जाओ मुंबई अगर अपना लास्ट मैच हैदराबाद के अगेंस्ट जीत जाए, और वहीं पर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर अपना लास्ट मैच गुजरात के अगेंस्ट जीत जाए तो उस जगह पर ऐसा होगा कि दोनों ही 16 पॉइंट तक चला जाएगा, चेन्नई अगर क्वालिफाई कर जाए तो वो क्वालिफाई कर जाएगा और लखनऊ नीचे से बाहर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर से तो मैं बताऊंगा कि केकेआर के पास कैसे चांसेस बनेगा और राजस्थान के पास कैसे चांसेस बनेगा, तो मैं बताऊंगा चांसेस कैसे बनेगा कि बाय एनी चांस अगर देखो सीएसके दिल्ली वाला मैच में कोई भी जीते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद लखनऊ अगर अपना मैच हार जाए केकेआर अगर अपना मैच जीत जाए तो केकेआर के पास 14 पॉइंट हो जाएगा और ज्यादा रन रेट से लखनऊ को हराना पड़ेगा। मतलब आप लखनऊ के ऐसे तरीके से नाश्तानाबूद करो जैसे कि लखनऊ कभी भी सोचा ही नहीं है, ऐसे तरीके से तो ही आपका रन रेट सबसे ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि मुंबई कैसे भी करके अपना लास्ट मैच हार जाए और आरसीबी कैसे भी करके अपना लास्ट मैच हार जाए तो ही आपके पास आउटसाइड चांसेस बनेगा। अगर आपके पास रन रेट रहे हर एक टीम को बीट करने के लिए तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा कोलकाता का, और राजस्थान रॉयल्स का भी सेम ऑप्शन है कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि अपना मैच हार जाए मुंबई और आरसीबी के बीच में दोनों ही, ठीक है। तो उस जगह पर ये 2 टीम ये एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन आरसीबी के पास सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो क्वालिफाई कर ले क्योंकि वो सबसे लास्ट वाला मैच खेलेगा और लास्ट वाले मैच में उनके पास टोटल कैलकुलेशन रहेगा कि वो कितना रन से अगर जीते तो वो क्वालिफाई कर सकेगा बेहतर तरीके से, तो उनके पास वो एडवांटेज रहेगा। और आरसीबी और मुंबई जैसा टीम के पास इधर
इधर से चांसेस है कि वो दूसरे नंबर पे भी क्वालिफाई कर ले। वो कैसे रहेगा कि उनको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि चेन्नई और लखनऊ अपना दोनों मैच हार जाए तो ही मुंबई और आरसीबी के पास चांसेस रहेगा कि वो 16 पॉइंट लेकर दूसरे नंबर के पायदान में चले जाए रन रेट बेहतर करके। तो ये भी ऑप्शन बन सकते हैं, मतलब इधर से कुछ भी हो सकता है, प्लेऑफ में कोई भी टीम जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो कि मैं बताया, सबसे ज्यादा चांसेस प्लेऑफ में खेलने वाला टीम का चांसेस रहेगा चेन्नई का, लखनऊ का, दोनों का ही बेहतर रन रेट है। उसके साथ मैं अगर बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में एक दो नंबर पे, एक तीन नंबर पे है, जो कि लास्ट मैच जीतेगा तो 17 पॉइंट लेकर क्वालिफाई कर लेगा। उसके बाद जिस जिस टीम का चांसेस है उसमें नाम है आरसीबी, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 14 पॉइंट लेकर बैठा हुआ है, प्लस में रन रेट है 180 का। और कि मुंबई भी 14 पॉइंट लेकर ही बैठा हुआ है, लेकिन उनका रन रेट -128 का है, जो कि अगर आरसीबी से कंपेयर करो तो लगभग 200 का भाई डिफरेंस है। तो उस जगह पर मुंबई को भी लास्ट मैच तो जीतना ही पड़ेगा कैसे भी करके हो, ठीक है। तो इधर पर मुंबई का भी चांसेस रहेगा कि मुंबई आरसीबी में कोई भी एक प्लेऑफ कर ले। और वहीं पर लास्टली मैं अगर बात करूं तो आउटसाइड चांसेस रहेगा केकेआर और राजस्थान का, मैं जैसे कि बताया कि कैसे तरीके से वो जा सकता है। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि प्लेऑफ कौन सा टीम करेगा, वो आप लोग जरूर से कमेंट में बताओ, क्योंकि आप सभी लोगों का राय सबसे ज्यादा मतलब वैल्यूएबल तो रहता ही है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा जो नया चैनल मैं खोला हूं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस चैनल पर सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो इस चैनल को तो भाई YouTube मतलब डीमोनेटाइज कर दिया है, उसके बाद कब मोनेटाइज होगा मुझे पता नहीं, एक महीने का टाइम दिया है, लेकिन भाई उतना दिन तक अगर बाय एनी चांस वो ना भी आए तो आप उधर पर मेरे से जुड़ सकते हो, मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने में एंगेजमेंट बढ़ता है, लाइक कर दो। तो अभी इधर ही समाप्त करते हैं, ऐसा ही वीडियो और भी आता रहेगा, डेली बेसिस पर आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।